ये पूरी खबर बागपत की बताई जा रही है। भाग के उसी प्रमोद नरेश टिकैत का बड़ा बयान, सरकार मांगे किसानों से माफी, तीन किसी बिल को ले वापिस, अब सरकार ही करेगी बात। बिलों पर कोई समझौता नहीं, हजारों ट्रैक्टर के साथ टिकैत ने किया दिल्ली को जी। आपको बता दें ये पूरी बागपत की तस्वीर दिखाई जा रही है, जहाँ पर सक्यू सुप्रीमो नरेश टिकैत का ये बड़ा बयान, सरकार मांगे किसानों से माफी, तीन किसी बिल को ले वापिस। प्राइम डे के न्यूज चैनल के लिए बागपत से बीरेंद्र तोमर। आगे पुलिस की व्यवस्था है किस तरह से, रूट वो करते हैं ना, रोकती बड़ी गाड़ियों को, हमने तो नहीं बंद करे, हम ही जाम में फंस रहे। पश्चिम से कितने ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं आप लोग? 5,000 बस, 100-150 ट्रैक्टर है हमारे साथ तो, और आप पीछे गिन लियो कि तक है, तो मैं तो पता नहीं कुछ क्या कहेंगे, किस तरह का जय शक्ति प्रदर्शन कल होगा? नहीं ये तो एक गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है, किसान भी से तिरंगा यात्रा निकाल ले, कोई ऐसी बात तो है नहीं, कोई ना हमारा कोई कुछ उद्देश्य है, किसान दिल्ली बॉर्डर पर पड़े तो इस बीच में ये गणतंत्र दिवस आ गया, तो इसमें हम भी मना रहे जा रहे हैं। दिल्ली जाने से रोका था, दिल्ली जा रहे हो आप लोग, किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा आगे आपका? नहीं वो तो किसानों की दिल्ली पुलिस की समझौता हो या हम उस तक बगल नहीं जाएंगे, जहाँ तक उन्होंने रूट वो करते हैं उसी पर बुझाएंगे ज्यादा। वो नहीं दिल्ली में बैठे मेरे तो बैठे हैं दिल्ली में, तो उन्होंने सरकार ने रोक दिए थे, तो वहाँ बोर्ड रूप है भीतर जाने का, मारा तो नहीं कुछ, मतलब क्यों बैठेंगे हम, कोई वो नहीं। इतनी भीड़ है सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार तो यही कहेंगे भाई अपनी हठ धर्मी छोड़ दो और किसानों से गलती मानो और इसे बिल को वापसी लो। शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती फिर अगला कदम क्या होगा? नहीं अगला तो चल रहा, आज 61वां 62वां दिन होगा आज, तो चलो जाएगा, इसमें तो कोई वो नहीं है बात, क्या करें हमारे पास तो यही तो आंदोलन का ही तो रास्ता है, और तो कुछ नहीं, आंदोलन चलता रहेगा। सरकार से क्या कहेंगे, जिस तरीके से अब तो जन आंदोलन बन चुका है किसानों का आंदोलन? नहीं हम क्या सरकार को कहेंगे, तो सरकार ही हमें कहेगी, सरकार ही हमें कहेगी हमसे गलती मानने की, और ये जो बिल उन्होंने थोप दिए इन्हें वापसी ले, बिल वापसी के बाद दिल्ली से वापसी होगी। बिल्कुल इस बीच में कोई समझौता नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।